आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा सातवीं विषय हिंदी पाठ दो समाज सेवा, जिसके लेखक है पनुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इसमें समाज सेवा के बारे में बतलाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार समाज में रह करके समाज की सेवा कर सकता है। जैसे मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता, उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। यूँ तो और भी कई प्राणी हैं जो अपने दल बनाकर रहा करते, परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। देश काल और अवस्था के अनुकूल उसने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए हैं और ऐसे परिवर्तन अब भी होते जा रहे हैं। इसी से मनुष्य समाज उन्नतिशील है और अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सका। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है उसी को हम समाज कहते हैं। यहाँ देखते हैं फिर मनुष्यों में जैसे स्वार्थ बुद्धि होती है, वैसे पराध बुद्धि भी होती है। मनुष्य में हम जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं, वे सभी गुण उस पराध बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र पराध बुद्धि के कारण हमारे हृदयों में उत्पन्न होते हैं। हमें अपने स्वार्थ साधना से जो सुख और संतोष मिलता है, वही आनंद हमें पराध चिंतन और परोपकार से मिलता है। इस पराध चिंतन में मनुष्य का कल्याण, इसलिए यदि कहा जाए कि पराध चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है, तो यह सर्वदा उचित ही है। हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुखकर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे ही कार्यों को हम सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ है दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को सुख प्रदान करना। इसके बाद देख लेते हैं हम समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। समाज में दोनों ओर दुखियों का भाव नहीं रहता। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, कुछ लोग अज्ञ होते हैं, कुछ लोग कुपथगामी होते हैं। इन सबकी सेवा करना, इन सबके हित के लिए काम करना समाज सेवा है। इस देश के समाज में आजकल गरीबों के उत्थान की जो चेष्टा की जा रही है, वह समाज सेवा ही है। उसी प्रकार नारियों की दुर्वावस्था दूर करने के लिए, कुष्ठ रोगग्रस्त लोगों की यातना दूर करने के लिए चेष्टाएँ की जा रही है, सभी समाज की सेवाएँ हैं। देश के सभी सक्षम नवयुवकों का ये कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाओं में भाग ले, इससे समाज की उन्नति होगी, साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। इसमें हमको समाज सेवा के बारे में बतलाया गया है कि किस प्रकार मनुष्य समाज में रह करके दूसरों की सेवा करता है। इसका अर्थ देख लेते हैं सारांश हम अच्छे से। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता, है ना। इस पाठ में मनुष्य की क्या है, बौद्धिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मनुष्य अपनी जीवन शैली को उत्तरोत्तर सुदृढ़ और संगठित बनाता हुआ सामाजिक रचना करता है। समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। मनुष्य में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है, वैसी ही पराध बुद्धि भी होती है। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव पराध बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। इस प्रकार नारियों की दुर्वस्था दूर करने के लिए या कुष्ठ आदि रोगग्रस्त लोगों की तकलीफ कम करने की कोशिश की जा रही है, सभी समाज सेवाएं हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा ही से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, अर्थात दूसरों की हमें हर प्रकार से सेवा या मदद करनी ही चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। सबसे पहले दिया है यथेष्ट। यथेष्ट का मतलब होता है जितना या आवश्यक हो। वृत्ति यानी स्वभाव, पारस्परिक आपसी। अवहेलना का मतलब होगा उपेक्षा, ध्यान ना देना सर्वदा हर तरफ से या बिल्कुल। कुपथगामी, कुमार्ग पर चलने वाला। निंदनीय यानी निंदा के योग्य। अज्ञ यानी अज्ञानी या मूर्ख। हित यानी भलाई, चेष्टा या कोशिश।
दुरावस्था हो जाता है, दुधन अवस्था यानी दूर अवस्था यानी बुरी हालत। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है शब्दार्थ को। उसके बाद हम देखेंगे अनुभव विस्तार में वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक में दिया है का सही जोड़ी बनाइए। तो अपना हो जाएगा सबसे पहले जीवन दिया है, जीवन का दिया है हमको मृत्यु होगी। समता में हो जाएगा विषमता, उन्नति का अवनति और सुपत का हो जाएगा कुपत। इसी प्रकार से हम देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की हमको क्या करना है, पूर्ति करना है। तो सबसे पहले हमको दिया है जिसने संपत्ति संचित कर ली वह खालिस्तान हो जाता है आदर। ठीक है, समाज और व्यक्ति का पारस्परिक खालिस्तान संबंध है दृढ़। समाज सेवा अधिकांश लोगों को खालिस्तान सुख पहुंचाने के लिए की जाती है अधिकतम। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि खालिस्तान से बढ़कर कोई सेवा नहीं, तो पर सेवा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके गद्यांश के संदर्भ प्रसंग और व्याख्या।